पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर में सवेरे गरज चमक के साथ मूसाधार बारिश, जल थल एक हो गया। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 102 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नशेबी इलाके जेरे आब आ गए, पानी घरों में दाखिल, सड़कों पर भी पानी ही पानी। शहर इकतदार में भी तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश, आफ्ताबाद, डस्का, भक्कर, जेहलम, दरिया खान में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसाधार बारिश। बारिश के बायस मुतादिद इलाकों में बिजली के फीडर स्ट्रिप कर गए, कई इलाकों में बिजली बंद। इलेक्शन की तारीख का ऐलान जल्द हो जाएगा। किसी भी सियासी जमात को सियासी अमल से नहीं रोका जा रहा। 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद के लिए उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। पाकिस्तान में आटे चीनी समेत इजनास की कोई किल्लत नहीं। महंगाई के खात्मे के लिए जखीरांदोजों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की। डॉलर रेट भी नीचे आने लगा है। कोशिश है इलेक्शन तक कुछ निजकारी हो जाए, कुछ सरमायाकारी आ चुकी हो, ताकि नई हुकूमत को अपना मंशूर आगे बढ़ाने में मदद मिले। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारत दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। कैनेडा में सिख रहनुमा का बहिमाना कत्ल, जो कुछ हुआ उसने मगरबी दुनिया की आंखें खोल दी। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम किया। पाकिस्तान अपनी सरजमीन का दिफा करना जानता है। पाकिस्तान के अमरीका के साथ मजबूत ताल्लुकात। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को ही वापस आएंगे, प्लान में कोई तब्दीली नहीं हुई। शहबाज शरीफ का ऐलान, सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बोले, नवाज शरीफ ने मशवरे के लिए बुलाया, इसलिए लंदन आया हूँ। साबिक वजीर आजम की वापसी पर तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां से रुका था। चेयरमैन पीटीआई ने कौम को गालम गलोच के अलावा कुछ नहीं दिया। एक सवाल के जवाब में कहा, गुजरावाला में मेरी किसी से मुलाकात हुई ना ही वहाँ गया। उधर लंदन में मुस्लिम लीग नून के बड़ों की बड़ी बैठक, नवाज शरीफ की वतन वापसी और इंतखाबात से मुतलिक अमूर पर गौर किया गया। अवाम को 440 वोल्ट का झटका, बिजली मजीद महंगी। नेपरा ने बिजली की कीमत में 3.28 रुपये फी यूनिट इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी, बिजली सरमाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। सार्फिन पर 160 अरब रुपये का इजाफी बोझ पड़ेगा। इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर से मार्च 2024 तक होगा। और क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम कप्तान, शादाब खान नायब कप्तान बरकरार। अनफिट नसीम शाह की जगह फास्ट बॉलर हसन अली की एंट्री। मामूल हक, फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक ओपनर्स होंगे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इफ्तार अहमद, सलमान अली आगा, सऊद शकील मिड ऑर्डर संभालेंगे। शादाब, नवाज और उसामा स्पिन का जादू जगाएंगे। पेस बैटरी में शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली और वसीम जूनियर शामिल। 3 रिजर्व खिलाड़ी मोहम्मद हारिस, इब्रार अहमद और जमान खान टीम के साथ भारत जाएंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेला 5 अक्टूबर से भारत में सजेगा। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड के खिलाफ होगा। भारत के साथ टाकरा 14 अक्टूबर को होगा।